केवल कोई दिख रहा है आम लोगों में, सभी लोगों में, तो केवल मनोरमा देवी का ही नाम आ रहा है, कोई दूसरा है ही नहीं है टक्कर में। तानाशाह और रंगदारी तो वो कर रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि को डरा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है, 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है, और उससे पहले अब जब काफी कम समय बचा है तो हर सीट पर काफी जोरदार ढंग से प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। आज हम बात करेंगे गया सीट की। गया सीट पर एनडीए की ओर से मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार भी वह जीत कर आई थी, बिहार विधान परिषद की वो सदस्य रही हैं, स्वर्गीय बिंदी यादव की वो पत्नी हैं, बिंदी यादव जो कि गया के एक बड़े नेता रहे हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और अब उनके ही समर्थन में एनडीए के तमाम नेता उतरने लगे हैं। देखिए, बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव हैं, जेडीयू के सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, मौजूद हैं, मनोरमा देवी हैं, सभी के साथ बैठकें हो रही हैं, रामकृपाल यादव हों या फिर तमाम जितने एनडीए के नेता हों, अशोक चौधरी हों, उमेश कुशवाहा हों, सभी नेता इन दिनों गया जा रहे हैं, गया में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने स्थानीय निकाय कोटे के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस चुनाव के वोटर हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए के तमाम नेता, जरा सुनिए। एनडीए के प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं मनोरमा जी, और पहले से सेवा करते आ रही हैं, और मैं समझता हूं कि जो महल मैंने माहौल देखा नॉमिनेशन के बाद आज तक का, उसमें केवल कोई दिख रहा है आम लोगों में, सभी लोगों में, तो केवल मनोरमा देवी का ही नाम आ रहा है, कोई दूसरा है ही नहीं है टक्कर में। क्या लग रहे हैं सर, इस बार आप जो भी लगातार सदस्यों के बीच आ रहे हैं, पंचायत समिति के सदस्यों के बीच आप जा रहे हैं, आपसे क्या कुछ बातचीत हो रही है? हाँ, बिल्कुल बातचीत हो रही है। भारत सरकार की योजना पंचायत लेवल तक और राज्य सरकार की योजना पंचायत लेवल तक, पिछले वर्षों में जो डायरेक्ट बेनिफिट मिला है पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता को, आप सबके सामने हैं। पहले जो अभी यहाँ विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उनके कार्यकाल को भी लोगों ने देखा है, और ये जो एनडीए का कार्यकाल है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 15-16-17 साल से काम कर रही है, उस कार्यकाल को देखा, और ख़ास तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए की जो सरकार बनी केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें पंचायत स्तर पर जो राशि मिलता था कई गुना अधिक राशि दिया जा रहा है, ताकि विकास पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक हो सके, और वार्ड तक लोगों को ताकत मिली है। इसलिए जनप्रतिनिधि होता है विकास के लिए, और विकास जो एनडीए की सरकार में केंद्र और राज्य मिल करके कर रही है अभूतपूर्व है, इसलिए आँख बंद करके लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो एनडीए के पक्ष में, और यहाँ जो जनता दल यू और एनडीए के प्रत्याशी है मनोरमा बहन, उनके पक्ष में लोग मत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और यही नहीं, गरीब जन कल्याण योजना का जो भी लाभ है, चाहे वो आवास का हो, शौचालय का हो, या गैस का हो, नली गली का हो, घर घर जल का हो, आयुष्मान भारत का हो, और न जाने कितनी ऐसी योजना है, 22 प्रमुख योजना है जिसका लाभ सीधे जनता को मिला है, और इसी का प्रभाव है कि विगत दिनों में जो चुनाव हुआ, अभी हाल में ही 4 राज्यों में चारों के चारों जगह पर भारी बहुमत से एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और कुछ दिन पहले ही तो यहाँ रिजल्ट आया है। इसलिए जो प्रतिपक्ष वाले लोग हैं आज से ही निराशा और हताशा में हैं। सब लोगों ने मन बना करके तय कर लिया है कि इस बार भी मनोरमा जी को अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि क्षेत्र का विकास हो रहा है वो अवरुद्ध नहीं हो। हमारे तीनों जिला में 2 चक्कर तो सारे जगह घूम लिए तीनों जिला के, ये मेरा तीसरा चक्कर चल रहा है। मैं सबसे मिली हूँ, अपार समर्थन पत्रकार भाई सारे हमारे, वार्ड सदस्य जी हमारे, पंचायत समिति के सदस्य जी हमारे, मुखिया जी हमारे, जिला परिषद के सदस्य हमारे, नेता जी हमारे, एमपी साहब सारे जो हमारे गठबंधन के नेता है, सबको सबका मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। चुनौतियों से लगातार लड़ती रही है मनोरमा देवी, इस बार क्या नया चुनौती देखने के लिए मिल रहा है, और जब आप वार्ड सदस्य मुखिया इन तमाम
दो के बीच जा रही हैं, क्या कुछ बातचीत जो है वो निकल कर सामने आ रही है? देखिए पत्रकार भाई, जो हमारा विरोधी हैं उनका यहाँ घर नहीं है हमारे तीनों जिला में, न उनका गया जिला में घर है, न उनका अरवल जिला में घर है, न उनका जहानाबाद जिला में घर है। वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो तो वहाँ गंगा पार पटना के रहने वाले हैं। हाँ, तो नामिनेशन पत्र में भी अपना एड्रेस दिए हैं, तो जहाँ घर है उनका अपना एड्रेस वो दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि, जिनको जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं पहचानेंगे तभी ना बात करेंगे। तो हमारे बेचारे जो पंचायत प्रतिनिधि मुखिया जी हैं, हमारे वार्ड सदस्य जी हैं, उनको तो पहचानवे नहीं करते हैं, तो फिर उनको वोट कैसे देंगे? और मैं लगातार 2003 से मैं इन लोग के बीच में हूँ, जिस तरह परिवार के सदस्य लोग रहते हैं, तो इन लोग तो भली भांति मुझे जानते हैं और मैं भी इन लोग के भली भांति जानती हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे सरकार के द्वारा बहुत काम हो चुका है, एनडीए के द्वारा जो काम बाकी है, इस बार हमको वोट दे के इन लोग भेजते हैं, तो जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो नेता हैं, जो काम देंगे उनको हम मजबूती से बिहार विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे। और दूसरी बात कि पंचायत प्रतिनिधियों को कहना है कि मैडम वेतन भत्ता जो हम लोग का मिलता है वो बहुत कम है, जिस तरह आप लोगों को मिलता है, एमएलसी साहब को, एमपी साहब को, विधायक जी को मान सम्मान मिलता है, उस तरह आप जाके और मेरी बातों को आप रखिएगा। इसलिए हम आपको वोट दे रहे हैं कि हमारा मान सम्मान और वेतन भत्ता और पेंशन लागू हो, इसीलिए हम आपको वोट दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल जी, अभिभावक समाज जी, आप लगातार कहती भी रही हैं जी 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 जी, बगल में बैठे हैं जी, कितना मजबूत अब मनोरमा देवी अपने आप को जी, बगल में जी, के जी, जी। देखिए पत्रकार भाई, हमारे माननीय जो एमपी साहब हैं, तो हम इनका चुनाव प्रचार में भी थे, प्रचार में पूरे इनका जो कंस्टिट्यूंसी है पूरे में घूमे, और घूमकर जितना मेरा कैपेसिटी मेरा क्षमता है हम इनको इनके लिए किए, और हमारे एमपी साहब भी मेरे लिए भरपूर कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं और भरपूर मदद कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। इसलिए हम पूरा अपने आप को मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो सारे लोग जो वोटर और सपोर्टर हमारे साथ हैं, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकार भाई, तानाशाह और रंगदारी तो वो कर रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि को डरा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि एनडीए के प्रतिनिधि हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। डराने का काम तो वो कर रहे हैं और उनका सर्टिफिकेट वो छीन रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि बताएं जी, हमारे वार्ड सदस्य बताएं कि मैडम हमको डराया जा रहा है, हमारे सर्टिफिकेट छीना जा रहा है। तो पत्रकार भाई, तानाशाह तो वो कर रहे हैं, हम तो भाई बैकवर्ड समाज की महिला हैं, हमको देख के आपको क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं महिला होकर हिटलरशाही कर रही हैं जी, महिला होकर हिटलरशाही कर रही हैं। हाँ तो दुर्गा को तो आप जानते ही हैं ना, दुर्गा के सामने तो नतमस्तक पूरा दुनिया है नतमस्तक, तो उसमें क्या बात है? और हमको जो लग रहा है, हम जो क्षेत्र घूम रहे हैं अभी तक का जो आकलन है हमारे पास, उसके मुताबिक मनोरमा जी बहुत आगे हैं, प्रतिद्वंद्वी से बहुत आगे हैं, और एनडीए का तमाम वोटर इनको इनके पक्ष में खड़ा है, और इनका जो काम रहा है, इनके जो हस्बैंड थे उनका जो कार्यक्षेत्र रहा था, उनका जो उपकार का रास्ता था पब्लिक के बीच में, वही बहुत लोकप्रिय रहा है, उसका अलग इनको समर्थन मिल रहा है। तो हमको लगता है कि कहीं से इनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कल भी हम गया बोधगया में गए थे, फिर टिकारी गए थे, मानिकपुर गए थे, कुल्था गए हैं, आपको किंजर में रुके थे,
अरवल में भी रात में हम रुके हुए थे, तो कहीं हमको एक आदमी भी, इसके पहले हम अतरी भी गए थे, तो कहीं एक आदमी इस तरह का हमको नहीं खड़ा होकर बोला कि मनोरमा जी के खिलाफ में वातावरण है, पर इस तरह का बोलने वाला कोई आदमी नहीं है। तो एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, मनोरमा देवी ने कैसे अपनी जीत को सुनिश्चित करने का दावा किया है, रामकृपाल यादव ने एक तरफ जहां आरजेडी पर प्रहार किया है, वहीं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने भी तमाम बातों का जिक्र किया। देखना यह है कि स्थानीय निकाय कोटे के माध्यम से हो रहे चुनाव में कितना अभी और संघर्ष करना होगा, क्योंकि गया सीट पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार दे रखा है रिंकू यादव को, ऐसे में कितनी चुनौती मिलती है। मनोरमा देवी तो खैर कह रही हैं कि जीत पक्की है, दावेदारी जो उनकी हुई है उसके बाद से जो उनके वोटर्स हैं वो पूरी तरह से एकजुट है। देखना यह है कि 4 अप्रैल को जब मतदान होता है उसके बाद 7 अप्रैल को जो नतीजे आते हैं उसमें किसके माथे पर विजय तिलक लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।